तो आज के वीडियो में मेरे पास है ब्रांड न्यू RPM मीटर और मैं इसको प्लैटिनम में इंस्टॉल करने वाला हूँ। इसका क्या ड्रॉबैक है, क्या लुक्स आता है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। जो चीज़ आपको वीडियो में नहीं मिलेगा दूसरे वीडियो में, आपको वो चीज़ बताऊंगा ये एक्चुअली असल में काम करता है कि नहीं करता, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको ये दो लंबा तार मिलेगा, ब्लैक और ब्लू। ये होता है आपका लाइट के लिए, इसके अंदर ब्लू लाइट जलता है, जो कि नाइट का बिजली मैं आपको मोस्ट प्रॉब्ली दिखा दूंगा। ये होता है लाइट का पॉजिटिव, रेड और लाइट का नेगेटिव कनेक्शन में आपको दिखाऊंगा। और डेफिनेटली आपको ये जो तीन वायर है छोटे छोटे, इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, मैंने एक्सटेंड कर लिया है। ये तो होगा लाइट का। अब इसमें से देखो ब्लैक है और ग्रीन है। ब्लैक हो गया आपका बैटरी का डायरेक्ट पॉजिटिव में देना पड़ेगा और ग्रीन अगेन आपका नेगेटिव, ठीक है। और इसको सिग्नल देने के लिए येलो पे ब्लैक जो स्ट्रिप है ये मेन वायर आती है, आपका इग्निशन कॉइल में लग जाएगा तो आपका RPM सुई काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो मैंने आपको कनेक्शन बता दिया आपका लाइट का, और ये जो तीन वायर है वो आपका मेन पूरा सिस्टम का होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लैटिनम का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से लगता है। मैंने यहाँ पे चार्जर इंस्टॉल किया है, तो मैं आपको कुछ लोकेशन बताऊंगा जो कि आपको पसंद आने वाला है। पहली बात, आप हैंडल में माउंट ना करें, गंदा लगेगा, तो आप इसमें इस तरीके से माउंट कर सकते हो और देख सकते हैं जो डायल उल्टा हो जाता है, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे टाइट करके इसको उल्टा लगाना पड़ेगा। पहली बात आप यहाँ पे लगा सकते हो, हैंडल में बहुत कूल लगेगा, आपको लगा देखूंगा। और सेकंड बात आप किसमें लगा सकते हो, देखो इस पोजीशन में लगा सकते हो, इस पोजीशन पे, तो आपको दिखता भी रहेगा हैंडल, आपका डैशबोर्ड गंदा नहीं दिखेगा, क्लीन दिखेगा, और यहाँ पे आपका लाइट बहुत अच्छा लगेगा। तो दोनों पोजीशन में आप लगा सकते हो। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ आप यहीं पर लगाओ, इस जगह पर, क्योंकि कूल लगता है। तो चलिए कनेक्शन शुरू करते हैं। सो हम फाइनली डिसाइड कर लें कि इस पोजीशन में ही लगाएंगे। अगर हम इस पे बोल्ट के ऊपर माउंट कर देते तो इस तरीके से लगेगा, तो हमको जो प्लेट है इसको मतलब लगेगा ऐसे ही, इसको थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा, तो इस तरीके से हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग। तो हम बेंड करने के लिए हम यहाँ पे माउंट कर रहे हैं, यहाँ पे बेंड करने वाला है इस पोजीशन पे, और वैसे हम इस पोजीशन पे बेंड करने वाले हैं। तो चलिए इसको प्लेट को ओपन करते हैं और इसको बेंड करते हैं प्लेट को। तो बेंड एक्चुअली किसी टाइप पे कर सकते हो, तो मेरा तरीका देख लो। बेंड तो हो गया है, अब ट्राई करते हैं देखें, और बेंडिंग चाहिए तो हम और बेंड करेंगे। तो शायद देखो हमने इस तरह से बेंड कर दिया, यहाँ पे लगेगा, और इस में भी और बेंड करना पड़ेगा। चले देखते हैं। सो इसको हमने अच्छी तरह से बेंड कर लिया, और बेंडिंग का प्रोसेस मैं आपको अगर बताऊँ तो इसको आप बेंड तो कर रहे हो, तो उसके बाद बेंड करते टाइम आप ये वाला चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये होल मैच होना चाहिए। बेंड किया तो ये जो होल ना वो आपस में चिपक जाता है, मतलब छोटा बड़ा हो जाता है, तो आपको प्लास की मदद से इसको खींचना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। ये नरम, ये सॉफ्ट होता है तो आप कर सकते हो। तो उसके बाद हम यहाँ पे अपना फॉग लाइट इंस्टॉल करने वाले हैं, और उसके ऊपर ही ये आपका इस ब्रैकेट को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो पहले ब्रैकेट को आप ओपन कर लीजिए, और ये बोल्ट यहाँ पे था इसको ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। अब इस तरह से इसको प्लेस कर देते हैं। और बाद में इस ब्रैकेट में आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, फॉग लाइट भी इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब फॉग लाइट तो है बट कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको खोलने की जरूरत नहीं, आप जस्ट आपका ये जो RPM मीटर है वो खोलोगे और न्यू लगा दोगे, ब्रैकेट फिक्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका नीचे जो आपका फॉग लाइट था उसे आप लगा दीजिए, जैसे था वैसे ही लगा दीजिए, एडजस्टमेंट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हिलने वाला तो है नहीं, तो हमने टाइट कर दिया, और थोड़ा सा टाइट होगा हम बाद में कर देंगे। तो प्रॉपर से हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। अब ये आपका आगे पीछे भी इस तरह से मूव हो सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग कर लो। अब इसमें हम RPM से इंस्टॉल करके दिखाते हैं इस तरह। ये आपका RPM मीटर बहुत, एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कूल लगेगा एक्चुअली, और इसको हम वाटरप्रूफ कर देंगे, तो इस तरीके से होल में लग जाएगा। नंबर का बोल्ट इसे लगा दीजिए, और ये परफेक्ट तरीके से फिक्स हो गया, और एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसे लगाने में। और मैंने जो प्लेस ढूंढना है ना लेग गार्ड के ऊपर, आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप इसी जगह पे लगाइए, तो मतलब ओवरऑल बाइक क्वालिटी और लुक्स बहुत इन्हेंस हो जाएगा। ज़्यादा टाइट ना करें, नॉर्मल टाइट कर दीजिए, अभी ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। और अब इसको एडजस्टमेंट करते हैं,
कि मुझे कहाँ पे लुक्स देखना है पहले से। तो हम इस तरह से बैठेंगे और ये आपका डैशबोर्ड दिखता रहेगा और इसी के बगल में आपका आरपीएम मीटर भी दिखता रहेगा। तो अगर आपका आरपीएम मीटर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको थोड़ा सा इससे डाउन भी कर सकते हो, आपको हथेला मार के थोड़ा सा बेंड उस तरफ करना पड़ेगा, तो मेरे लिए परफेक्ट है। और अपने अकॉर्डिंग आप इस तरह से कर लीजिए इसको, मुझे इस तरह से अच्छा अभी अभी प्रॉपर है। ओवर लुक देखो बहुत कूल लग रहा है, आरपीएम मीटर यहाँ पे और अपना सब कुछ डिजिटल हो गया। तो अभी इसका कनेक्शन करते हैं। सो कनेक्शन आप दो तरह से कर सकते हो। पहली बात देखो, जो आपका ये वाला सिर्फ ब्लैक आ रहा था और ये वाला मतलब ब्लैक और ये नीला आ रहा था लाइट का मैंने बोला था, उसको मैंने इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ जोड़ दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लाइट भी जले और काम भी करे। और आप चाहते हो कि सिर्फ काम करे, अगर आप स्विच इंस्टॉल करना चाहते हो कि मतलब पार्किंग के साथ ये लाइट जले और नॉर्मली काम करे, अगर आप स्विच ऑन करो तब ये लाइट जले, तब आप ये जो रेड जो लंबा लंबा वायर आ रहा था लाइट का जो मैंने बताया था, उसको आप अलग से कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको इसका पॉजिटिव एक साथ दे दिया और इसका नेगेटिव एक साथ दे दिया। तो यहाँ पे दो तार बच रहे हैं, इसको अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव दे देंगे तो इसमें लाइट भी जलेगा और ये काम भी करना चालू हो जाएगा। और ये जो आपका एक्स्ट्रा वायर देख रहे हैं, या तो आपका आरपीएम का हो गया। ठीक है, तो चलिए आप अच्छे तरीके से कनेक्शन करते हैं। सो अब सिंपल आपको वायरिंग सिखा रहे हैं, देखो एकदम सिंपल है, इसे देख के डरेगा नहीं। तो पहली बात, हम एक्चुअली दो तीन वायर आ रहे हैं, ये आपका मतलब मैंने जो एक्सटेंडेड किया था, तो देखो ये आपका ये वाला आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। तो पॉजिटिव मेरे हॉर्न से हमने जब फॉगलाइट इंस्टॉल दिया था, तो हॉर्न का जो पॉजिटिव सप्लाई है उसमें ही हम ये वाला पॉजिटिव जोड़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ सिंपल वायरिंग है, तो बाकी आपको ज़्यादा वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हैंडल में आपको वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैंडल मूव होगा तो आपका वायरिंग भी मूव होगा। इसमें क्या होगा, आपका वायरिंग मूव नहीं होगा, बिल्कुल स्टिल रहेगा। तो हमने इसको हमने पॉजिटिव दे दिया है। अब ये का जो नेगेटिव है, जो इस मतलब हमने जो जोड़ा इसका नेगेटिव, तो हम मुझे नेगेटिव यहाँ पे कैसे मिला नहीं, तो हम जो हॉर्न का कपलर देख रहे हैं इसमें हम एकदम अच्छे तरीके से इसका जो नेगेटिव है इसे हम दे देंगे, मतलब इस तरीके से। पहले हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं और इसके बाद हम ये जो नेगेटिव है हम यहाँ पे दे देंगे, मतलब नट में, एक्चुअली हम नट में दे रहे हैं। और इसके बाद हम नट को कस देंगे तो ये आपका नेगेटिव मिल जाएगा। तो पॉजिटिव इसको मिल गया, नेगेटिव इसको मिल गया। अब जो मेन सेंसर वायर है वो वायर ये रहा, हमने एक्सटेंड किया था पूरा, तो वो सीट के नीचे मतलब टैंक के नीचे लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम लास्ट में करेंगे, पहले ये वाला पॉजिटिव टेप कर देते हैं और इसका नेगेटिव हम दे देते हैं, उसके बाद हम इसका कनेक्शन बताएंगे। मैंने यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से इसको जिप टाई करके बिल्कुल क्लीन वायरिंग कर दिया है और नेगेटिव हमने इसको यहाँ से दे दिया है और पॉजिटिव हमने देख सकते हैं हॉर्न का पॉजिटिव से हमने दे दिया, हॉर्न का पॉजिटिव देख सकते हो ये वाला। तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव ये वाला जो सिस्टम इसको मिलेगा। और जो मेन इसका सेंसर वायर है वो हम एक्सटेंड किए थे, तो मैंने बोला था कि जो इस साइड का स्पार्क प्लग होता है वो मेन होता है। इस साइड का जो देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस साइड का जो एसटी कॉइल है इसका जो कपलर देख रहे हैं ये वाला जो कपलर देख रहे हैं इसमें सेंस करेगा। तो इस कपलर में हमको ये वाला जो सेंसर वायर दे देना है। अब आप बोलोगे यहाँ पे इसमें तो दो स्पार्क प्लग है, पहले वाला एक और दूसरा वाला ये, तो इसका दो इस बाइक में दो एसटी कॉइल है देख सकते हो। इसमें इसका एसटी कॉइल ये रहा, इसका एसटी कॉइल ये रहा, और तो इसमें दो एसटी कॉइल है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जो मेन वाला सेंसर है उसमें दीजिए, इस वाले सेंसर में ना दीजिए, क्योंकि ये बाद में एक्टिव हो जाता है। DTS इंजन कैसे काम करता है, दो स्पार्क प्लग मैंने एक वीडियो बनाया था, आई बटन में आ रहा होगा, वो वाला देख लो आपको पता चल जाएगा। तो हम इस वीडियो में आपको दोनों चेक करके दिखाएंगे, उस वाले एसटी वाले में भी सेंसर करके दिखाएंगे कि ये काम करता है कि नहीं करता है, और इस वाले में भी करके दिखाएंगे। तो आपको मतलब अच्छा वीडियो ये बनेगा, अच्छा आपको नॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एज ये वाला जो मेन सेंसर वगैरह है, हमने ये वाला जो मेन कॉयल है, मेन स्पार्क प्लग है, इसका जो एसटी कॉयल है ये वाला देख सकते हो, इसमें हम दे दिया है। तो पहले हम इसमें चेक करेंगे कि आरपीएम स्टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए वीडियो को मतलब बाइक को स्टार्ट करते हैं। सारा कनेक्शन हमने पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया और सेंसर हमने कनेक्ट कर दिया, फिर ऑन कर रहे हैं अभी इसको, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मेरा बाइक अप्रॉक्स 800 टू 1000 RPM पे है, बट इसमें दिखा रहा है देखो 1000 1500 RPM दिखा रहा है, तो मतलब ये लगभग थोड़ा बहुत एक्यूरेट है,
इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊँ कि ये कितना एक्यूरेट है। तो थोड़ा सा हम रेप करके देखते हैं। देखो डिजिटल से ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, देखो बहुत अच्छा काम कर रहा है डिजिटल से। इसका जो सेंसर है, हम इस वाले स्पार्क प्लग से जो लेट में काम करता है देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये वाला सेंसर हमने, देखो ये वाला सेंसर हमने इस वाले कपड़े में दे दिया है। तो अभी ये इसके सेंसर से ये सेंस करेगा। तो चलिए देखते हैं ये प्रॉपर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी हमने चाबी ऑन किया, ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस बाइक स्टार्ट है बट ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो स्पार्क प्लग है वो लेट में काम करता है। तो देखते हैं कितना आरपीएम पे ये काम करता है। थोड़ा सा रेस बढ़ाऊंगा, अभी भी काम नहीं कर रहा। सो देखो गाइस इसका अभी भी काम नहीं कर रहा। तो लगभग 2000-3000 जब भी आरपीएम पहुंचता है तभी इसमें करंट आना आ जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इस वाले इसमें कनेक्शन ना करें, तो सेंसर वायर है जो मैंने पहले कनेक्शन किया था उसमें ही कनेक्शन करें, तब तो प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से ही काम करेगा। तो एज फाइनली इसको मैंने अच्छी तरीके से इसका कनेक्शन कर दिया। देखो इस मैं रिकमेंड करूँगा जीप टाइप यूज़ करें, बिल्कुल कनेक्शन फिनिशिंग में होगा। और एक यहाँ पर अगर ब्लैक में कुछ कर देता तो अच्छा लगता, बट ठीक है नीट एंड क्लीन वायरिंग मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं फाइनल ऑफिशियली, पूरा कंप्लीट हो गया है प्रोसेस। तो हम चाबी ऑन करते हैं, यहाँ पे लाइट जल जाता है देखो। और विजिबिलिटी में अगर इसमें बैठ के आपको दिखाऊं, इसमें अगर मैं आपको बैठ के दिखाऊं तो विजिबिलिटी कुछ इस तरीके से आएगा। ये आपका मीटर आएगा और यहाँ पे आपका लाइट, ये वाला मीटर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखो ये लाइट जल गया और ये स्विच मारा पूरा। हम इसको हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग से आपका आरपीएम आ जाएगा। सो है जैसे कि आपने देखा कि आरपीएम मीटर हमने इंस्टॉल कर दिया है और इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और अब बताते हैं इसका कितना एक्यूरेट। एक्चुअली गाइस मैं कहूँगा 50% एक्यूरेट है। मेरा बाइक स्टार्टिंग में 800/1000 आरपीएम अगर सेट है, ये दिखा रहा है 1500-1600। तो बट स्टाइलिंग के लिए, कूलनेस के लिए बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं और मतलब अदर आरपीएम मीटर से भी अच्छा। और अगर आप एक्चुअल में आरपीएम मीटर का मजा लेना चाहते हो एकदम एक्यूरेट, तो आप जो पल्सर का आता है, जो मतलब कंपनी जो देती है वो आप लगाओ। एक्चुअली वो लगाना तो पॉसिबल नहीं, इसलिए हमने ये वाला चीज़ लगाया। तो बट कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मस्त चल रहा है। इसको देख के आप ट्यून मतलब आपका जो कार्बोरेटर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आरपीएम दिखाता है, प्रॉपर दिखाता है। तो थोड़ा सा गलत है बट सेटिस्फेक्शन वाला काम ये है, आपको मजा आएगा, लुक्स अमेजिंग है, रात में बहुत अच्छा लगेगा। तो अंधेरा हो चुका है, अब मैं आपको इसका पूरा परफेक्ट लुक दिखाता हूँ। कल वाला वीडियो इसके टेस्टिंग के ऊपर आएगा, तो देख लो ये आपका मेन स्पीडोमीटर ऑन हो गया और ये आपका हेयर इट इज कितना। तो दोनों एक साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो तो चाबी ऑफ कर देता हूँ भाई, ठीक है अब चाबी ऑन करते हैं। देखो नीचे वाला देखना कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं आपको अगर पास से दिखाऊं, देखो कितना सही लग रहा है। और मैंने जैसे इसमें चला के आया, मतलब बहुत अच्छी लग रही है बाइक। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो मिलते हैं गाइस नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तब तक बाय बाय। तो आपने मेंबरशिप नहीं लिया, ज्वाइन बटन आ गया है तो मेंबरशिप लो और हमारे साथ कॉन्टेक्ट करो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए। परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, यहाँ पर इंस्टाग्राम में लिंक आ रहा होगा, हम फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। इसको लगाना तो बनता है। भारत माता की जय।